जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको इन्फॉर्म करना है कि अवध यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं एमएड में, तो अभी आपके लिए आखिरी मौका होने वाला है। बगैर रजिस्ट्रेशन के आप अवध यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज के एमएड में एडमिशन नहीं ले सकते हैं और यूनिवर्सिटी अपना रजिस्ट्रेशन क्लोज करने वाली है। आखिरी डेट कब है, इंपॉर्टेंट डेट कब है और एमएड से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट डेट है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों अवध यूनिवर्सिटी के एमएड के कोर्स के बारे में, और न केवल एमएड, इसके अलावा भी अगर आप एलएलबी में, बी फार्मा में, डी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए आपके पास आखिरी मौका है। दिस इज लास्ट चांस फॉर यू। तो क्या है, आइए ज़रा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट क्या है। तो इंपॉर्टेंट अगर हम डेट की बात करें दोस्तों कि अवध यूनिवर्सिटी 30 से, आप अब सबको बताया कि 30 से उन्होंने रजिस्ट्रेशन शुरू किया था 3/4/2024 से, और 30 जून को, जी हाँ दोस्तों, जून को, अप्रैल में स्टार्ट करा था उन्होंने। अब 30 जून यानी कि आज 28 तारीख है, दो दिन बाद अब ये लास्ट रजिस्ट्रेशन क्लोज करने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं और आपको एडमिशन लेना है, सो दिस इज़ गोना बी द लास्ट चांस। आई मीन यू हैव ओनली 2 days। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, गो फॉर रजिस्ट्रेशन, डू रजिस्ट्रेशन, अपियर इन द एंट्रेंस एग्जाम एंड डेफिनेटली इजिली यू विल गेट अ कॉलेज फॉर द एमएड। और एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड डेट की बात करें दोस्तों, 10 जुलाई बताई जा रही है। 10 जुलाई को यानी कि 10 दिन के बाद आपका पेपर हो जाएगा एमएड का, और 18 तक टेंटेटिव डेट है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली 1 अगस्त से आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1 अगस्त से आपका यहाँ पे क्लासेस, और 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा और कर देंगी, जो इस बार वॉइस चांसलर है वो पक्का कर देंगी। और ये भी शो करता है दोस्तों कि 31 जुलाई तक आपका बीएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ जाएगा, मतलब जुलाई में ही आपका बीएड सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद आप एमएड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बस बताना ये था दोस्तों कि दिस इज़ द लास्ट चांस। अगर आपको इनमें से किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है, चाहे आप अगर एलएलबी कर रहे हैं, बीपीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, एलएलएम कर रहे हैं, एमएड एम फार्मेसी कर रहे हैं, इसमें से किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 30 तक यानी कि आज 28 है, दो दिन और आपके पास टाइम है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद आप एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होकर एडमिशन ले सकते हैं। तो बस ये छोटी सी सूचना है। अगर कोई डाउट हो, कोई संदेश हो, कोई संदेह हो मन में, कोई कन्फ्यूजन हो कि एमएड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, द मोस्ट प्रॉब्ली सबसे बड़ा रीज़न यही होता है फीस का, क्योंकि इस एज में बच्चे चाहते नहीं कि घर वालों से और फीस मांगे। और अवध यूनिवर्सिटी की एमएड की फीस ऑलमोस्ट 60,000 है एक साल का, ये बहुत ही ज़्यादा है। कंपैरेटिवली लखनऊ यूनिवर्सिटी का 40,000 है, ओके 40,000 है कम, और अवध का 60,000 है, तो ये अवध का ज़्यादा है। यहाँ पे कुछ करना चाहिए, मगर आप सबको पता है कि एजुकेशन की अपनी स्थिति क्या है। बट जो भी हो, अगर इंटरेस्टेड हैं तो करिए, स्कॉलरशिप भी आ जाती है। आप इंटरेस्ट शो करिए, पेरेंट्स से बात करिए, जो भी आपका फाइनेंशियल सपोर्टर है आप उससे बात करिए और कोर्स ले लीजिए। बेहतर यही होगा कि आप कहीं टीचिंग शुरू कर दें, किसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दें। अगर आपने बीएड किया है, मैं अपने हर वीडियोज़ में कहता हूँ कि अगर आपने बीएड किया है और आप घर पे हैं, घर पे भी हैं, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने घर के बच्चों को पढ़ाएं, जो भतीजे, जो भांजे, जो भांजियाँ, जो कज़न्स हैं उनको पढ़ाएं। अगर घर नहीं है तो प्लीज़ आप किसी स्कूल को ज्वाइन करिए। स्कूल को ज्वाइन करना आपको हमेशा एक एक्टिव रखेगा, हमेशा आपको एक सक्रिय रखेगा। तो प्लीज़ आप ज़रूर किसी स्कूल को ज्वाइन करिए, और वो भी पॉसिबल है तो मतलब घर पे ही पढ़ाइए, क्योंकि बीएड का जो पूरा करिकुलम ही डिज़ाइन होता है वो दोस्तों पढ़ाने के लिए ही डिज़ाइन होता है। तो आप कर चुके हैं तो प्लीज़ आप जरूर अपना टीचिंग स्टार्ट करें। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि दो दिन और आपके पास हैं, 30 तारीख को लास्ट डेट है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो कि एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी अगर कोई समस्या, सुझाव, सलाह है तो आप मुझे दे सकते हैं। क्या मन है आपका एमएड के बारे में, कोई बात करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, मगर मेरी ख्वाहिश होती है कि खासतौर पर बच्चियाँ और बच्चे तो खैर कहीं ना कहीं जॉब में लग ही जाते हैं, लेकिन बच्चिया, उनके लिए टीचिंग प्रोफेशन बेहतर होता है, क्योंकि घर से और वो इन्वायरमेंट, वो सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से भी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आप लोग आगे भी पढ़ लें तो बेहतर होगा, बीएड के बाद एमएड कर लीजिए, लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपको किस स्कूल में पढ़ाना अपना शुरू करना पड़ेगा। ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, कैसे आना जाना, वो सब बात की बात है, पैसा कितना मिलेगा दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट। आप एटलीस्ट खुद को उसमें इन्वॉल्व करिए, एक एक्सपीरियंस लीजिए, एक साल मेहनत करिए, एक साल पढ़ाइए, फिर आप इतनी कम्फर्टेबल हो जाओगी कि अपनी शादी के बाद भी सोचोगे कि यार हम कहीं पढ़ाते, फिर ना वो बच्चों से वो लगाव हो जाता है। तो अभी सेशन भी स्टार्ट होने वाला, नया सेशन, कोई भी जानने वाला है आसपास के स्कूल हो वहाँ पर अपने बात
बात करिए, सीबी करिए, पैसा कंसर्न मत करिएगा, एटलीस्ट 6 महीने तो दीजिए बच्चों से मिलने में जुलने में, उनको उनको टेक केयर करने में, उनको समझाने में, क्योंकि जिस हिसाब से आप समझा सकते हैं कोई और नहीं समझा सकता। खैर अब देखो बातें ज़्यादा होने लगती हैं, बट ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी ख्वाहिश है कि आप इन्वॉल्व रखें खुद को, ठीक है। टीचिंग के प्रोफेशन से मैं खुद जुड़ा हूँ, इवन कुछ और काम करने के बजाय भी जब भी मुझे सॉफ्ट समय मिलता है मैं यूट्यूब पे आके आप सबसे बात करता हूँ। इसके पीछे ये है कि ना कि हमारा लगाव हो जाता है, हमारा कनेक्शन हो जाता है। टीचिंग इज़ द बेस्ट प्रोफेशन, आई मीन अगर आपकी ख्वाहिश है तो आप ज़रूर करिए। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना है दोस्तों, 30 तारीख तक लास्ट डेट है, अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। मेरी बातों को ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, कोशिश करिएगा किसी स्कूल में इनरोल करिए, अपने आप को पढ़ाना शुरू करिए, ठीक है। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। खुश रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और पढ़ाते भी रहिए, खुश रहिए, बस खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।